हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करी डिलाइट। आज मैं आप लोगों के लिए सभी का मोस्ट फेवरेट पनीर टिक्का की रेसिपी लेके आई हूँ। पनीर टिक्का लोग घर में बनाना अवॉइड करते हैं क्योंकि लगता है कि इसके लिए तंदूर या ओवन की ज़रूरत है, बट मैं आज आपको तवे पर और डायरेक्टली गैस पर पनीर टिक्का घर पे ही कैसे बनाए उसकी रेसिपी शेयर करी हूँ। बहुत ईजी रेसिपी है, इसको एंड तक ज़रूर देखें, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी इजी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है। आप कोई सा भी पनीर ले सकते हैं, मलाई वाला या नॉर्मल, और आपको उसको बड़े चंक्स में, बड़े क्यूब्स में कट करके रख लेना है। और थोड़ा सा इसमें मैं रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी, ताकि सॉल्ट इसके अंदर थोड़ा अच्छे से जा सके। तो मैं इसको मैरिनेट करके अलग रख लूँगी। ये देखिए, अच्छे से इसमें चिली और सॉल्ट को आप अच्छी तरह से इसमें रब करके इसको अलग रख लीजिए। अब हम इसका मैरिनेशन रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने 1 कप कर्ड लिया है। इसको अच्छा सा विस्क दे दीजिए और उसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए। और इसमें मैं कश्मीरी रेड चिली यूज़ कर रही हूँ, इसमें कम तीखापन होता है और पनीर टिक्का में एक अच्छा सा कलर भी आएगा। हम इसमें कोई सा भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करेंगे जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है। और इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दिया है, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाल दीजिए, इसमें अच्छा एक कलर आता है, और लेमन जूस 2 टेबलस्पून, अराउंड 2 टेबलस्पून, ये अच्छा सा एक खटास देगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बाइंडिंग के लिए रोस्टेड बेसन आप यूज़ कीजिए। अगर आपके पास सत्तू है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आएगा। और मैंने गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून, इसको भी एक अच्छा सा मिक्स आप दे दीजिए। फिर हम इसमें फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे और रोस्टेड ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, इससे अच्छा फ्लेवर आता है आपके टिक्के में, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून, और चाट मसाला पाउडर भी आप 1 टेबलस्पून डाल दीजिए। इसमें हम बहुत सारे सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए जो आपने नॉर्मल सॉल्ट यूज़ किया है उसको, उसका आप फ्लेवर बैलेंस करके उसको डालिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है। और मैरिनेशन में भी हमारा थोड़ा सॉल्ट है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस्ड आप नमक यूज़ कीजिए। और जो हमने पनीर क्यूब्स को मैरिनेट करके रखा था सॉल्ट और चिली में, उसको हम इस मैरिनेशन में डाल देंगे, ये देखिए। और इसको आपको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिक्स ना करें, अदरवाइज़ पनीर टूट सकती है। अब मैं इसमें क्यूब्स टोमेटो, जो मैंने 1 टोमेटो क्यूब्स करके कट करके रखे थे, वो डाल दिया है। कैप्सिकम, 1 कैप्सिकम, उसको भी मैंने क्यूब्स में कट करके रखे हैं, उसको आप इसमें मिक्स कर दीजिए। हल्के हाथों से आपको इसको मिक्स करना, आप चाहो तो इसमें हैंड भी यूज़ कर सकते हो, बट स्पून से भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब मैं इसमें क्यूब्स में कटे हुए अनियन इसमें डालूंगी, ये भी एक बिग साइज़ ऑफ अनियन है, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसमें आप डाल दीजिए। ये अच्छा सा आपके पनीर टिक्का में अच्छा क्रिस्प देता है ऑयल, और इसको पकने में भी हेल्प करता है, तो इसमें आप रिफाइंड ऑयल ज़रूर यूज़ कीजिए। और हम इसको अब 1 से 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे, फ्रिज में भी रख सकते हैं या बाहर भी आप रख सकते हैं अगर आपका वेदर नॉर्मल है तो। अब इसके लिए पनीर टिक्का के लिए जो ग्रीन चटनी हमें रेस्टोरेंट में सर्व होती है, उसकी मैं एक जल्दी से एक चटनी रेडी कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने कोरिएंडर लीव्स लिया है, रेड चिली लिया है, 2 क्लोव्स लिए हैं गार्लिक के, 1 मैंने जिंजर लिया है, और 2 टेबलस्पून इसमें कर्ड यूज़ आप डाल दीजिए, और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए। ये देखिए, इसमें आपको पानी ज़्यादा नहीं मिलाना, आपको बहुत थिक लगे चटनी तो आप हल्का सा इसमें पानी डाल सकते हैं, बट कर्ड से इसको अच्छा सा एक थिकन सी कंसिस्टेंसी मिल जाती है, तो मैंने ज़्यादा इसमें वाटर यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, आप इसको बाउल में निकाल के रख लीजिए, पनीर टिक्का के साथ हम इसको सर्व करेंगे। अब हम अपना मैरिनेशन निकालते हैं। ये देखिए, आफ्टर 2 आवर्स ये कितने अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, और हल्का सा इसने लूज़ हो गया है हमारा ये मिक्सचर। बस आप कोई सा भी स्क्रूअर्स ले सकते हैं, मैं यहाँ मेटल का, और ये आप ऐसे अगर के पास, अगर आपके पास बैम्बू के भी हैं
स्क्यूअर्स, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये मुझे माइक्रोवेव के साथ मिला, तो मैं वो स्क्यूअर्स आपके लिए यूज़ करके दिखा रही हूँ। बस इसमें आपको आपने पनीर के और वेजीज के आपको लाइनअप करना है। जैसे एक पनीर आपने डाला, तो हम उसके बाद कैप्सिकम डालेंगे, देन अनियन डालेंगे एंड टोमेटो। यही वाला आपको लाइन रेडी करके आपको स्क्यूअर्स में सारे इसको डाल देने हैं। ये देखिए, ऐसे करके आप सारे पनीर टिक्का के क्यूब्स रेडी कर लीजिए फ्राई करने के लिए। ये देखिए, ऐसे ही आप सारे स्क्यूअर्स में करके रख लीजिए, बैम्बू वाले और वो सारे। अब मैं इसको आपको एक पैन में सेलो फ्राई करके दिखाऊंगी। ये एक मेथड है, ये भी बहुत इजी मेथड है। ये देखिए, हल्का सा मैंने पैन को ग्रीस किया ऑयल से। सेलो फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मैरिनेशन में भी ऑयल है। ये देखिए, आपको इसको दोनों साइड से 1 to 2 मिनट लगेंगे और आपको मीडियम फ्लेम रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना, अदरवाइज़ ये जल जाते हैं। इसको ज़्यादा पकने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, हल्का सा इसमें ब्राउनिंग आ गया है, तो एक साइड हमारा पक गया है। हम हल्का सा अब ऑयल डालेंगे और उसको दोनों तरफ से अच्छे से घुमा घुमा के सेक लेंगे। ये देखिए, कितने अच्छे से सब तरफ से इसमें ब्राउनिंग आ गई है। और ये हमारा पनीर टिक्का रेडी है, इसको आप एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब मैं इसको डायरेक्ट आपको पैन में, अगर आपके पास स्क्यूअर्स नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको पैन में भी इसको सेलो फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, हल्का सा मैंने इसमें ऑयल डाला और अपने सारे पनीर और जो वेजी के ये है कट है, उनको आप इसमें डाल दीजिए। ये देखिए, और आपको फ्लेम मीडियम ही रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना है। और आपको इसको उलट पलट कर अराउंड 1 to 2 मिनट्स में ये दोनों तरफ से सिक जाते हैं। ये देखिए, मैं हल्के से इसको टर्न कर ले रही हूँ, आपको हल्के हाथों से इनको टर्न करना है, अदरवाइज़ पनीर टूट जाते हैं। ये देखिए, कितने अच्छे से हमारी पनीर में ब्राउनिंग आनी स्टार्ट हो गई है, जैसे टिक्का में रहता है, जैसे लग रही है तंदूर से निकले हुए हैं। तो ऐसे आपको पनीर टिक्का मिल जाएगा। ये देखिए, आप इसको आप प्लेट में निकाल लीजिए सर्व करने के लिए। सब अच्छे से हमारे वेजीज और पनीर सिक गए हैं, ये देखिए रेडी है। और मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ, आप डायरेक्टली ओपन फ्लेम में भी इसको इसको सेक सकते हैं, इसमें भी अच्छा तंदूर का इफ़ेक्ट आता है। ये देखिए, स्क्यूअर्स लेना है आपको और इसको आप ओपन फ्लेम में इसको अलट पलट के अराउंड 1 to 2 मिनट इसको रेडी कर लेना है, वो भी रेडी हो गया। अब हम ग्रीन चटनी और अनियन राउंड के साथ इसको सर्व करेंगे हमारे पनीर टिक्का को। ये देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे पनीर टिक्का, जैसे लग रहे तंदूर से निकले हुए हैं। इनको आप सर्व कीजिए अपने मेहमानों को। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।